भारतीय सेना को खोज और बचाव अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। सेना की एक टीम ने 1968 में रोहतांग दर्रे पर दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय वायुसेना के AN-12 विमान के 4 कर्मियों के शव को बरामद किए हैं। सेना को ये शव 56 साल बाद मिले हैं। इसे एक असाधारण घटनाक्रम माना जा रहा है। बता दें कि 7 फरवरी 1968 को चंडीगढ़ से उड़ा एंटोनोव 12 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अचानक से क्रैश हो गया। विमान में बैठे 102 जवानों की मौत हो गई। इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। प्लेन क्रैश की वजह खराब मौसम को बताया गया था। पिछले 56 साल से प्लेन क्रैश में शहीद जवानों के शवों की तलाश की जा रही है। यह भारत का सबसे लंबा चलने वाला सर्च ऑपरेशन है। बीते दिन सुरक्षा बलों को 4 शव मिले हैं। इनमें से 3 शवों की पहचान हो चुकी है, मगर 1 शव की शिनाख्त अभी भी जारी है। हमें जो सूचना प्राप्त हुई थी उस सूचना के हिसाब से 1968 में तकरीबन 56 साल पहले AN-12 करके एक इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हुआ था, जिसमें तकरीबन 102 सोल्जर्स थे इंक्लूडिंग क्रू। और ये जो क्रैश हुआ था ये चंद्रभागा 13 पे हुआ था नियर ढाका ग्लेशियर। तो इनके एक्सपीडिशंस के लिए बॉडी को रिकवर करने के लिए पहले भी काफ़ी कॉन्स्टेंट एफर्ट्स होते रहे हैं। और बेसिकली 2004, 7, 13 और 2019 में इन बॉडी को रिकवर करने की कोशिश की गई और अभी तक 5 मॉर्टल्स जो है वो रिकवर हुए थे। इसी कंटिन्यूएशन में अभी सितंबर 2024 में जो इनकी एक्सपीडिशन टीम दोबारा से रिकवर करने के लिए एक्टिव हुई, और इस बार जब उन्होंने एक्सपीडिशन किया तो इस बार हमें 4 मॉर्टल्स जो है वो रिकवर हुए। क्योंकि ये 1968 का मैटर है तो बॉडी डिकम्पोज्ड हालत में मिली, और जो 4 मॉर्टल्स जो हमें मिले हैं उनकी अगर मैं डिटेल दूं तो उसमें से एक है मलखान सिंह, वो सहारनपुर यूपी के हैं। एक हैं सिपाही नारायण सिंह, वो पौड़ी गढ़वाल के हैं। एक सिपाही है मुंशी राम, वो रेवाड़ी हरियाणा के हैं। और एक क्राफ्ट्समैन है थॉमस चेरियन, वो केरला के हैं। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई और ये बॉडी रिकवर हुई, उसके बाद पुलिस टीम ने आर्मी में जो हमारे मेजर साहब हैं उनसे कांटेक्ट किया, कर्नल साहब हैं उनसे कांटेक्ट किया, और जो पुलिस टीम और मेडिकल टीम है वो लोसर में है। और अभी जो सुबह सुबह मेरी जो बात हुई थी सेटेलाइट फ़ोन से, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं है, वो शेडो जोन एरिया है, वो बॉडी को लेकर वहाँ से चल चुके हैं। और लोसर में वो जैसे पहुँचेंगे वहाँ पे हम बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के बॉडी जो है वो उनकी रिस्पेक्टिव फैमिलीज़ को दे देंगे।